ठीक है, पैक हो जाएगा मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, welcome to Travel Itra, और आज मैं लेकर आया हूँ अमृतसर का सेकेंड व्लॉग, जो कि काफी टाइम बाद मैंने पूरा रेडी करा है, एडिटिंग करी है। और आज आप इसमें आपको देखने को मिलेगी वाघा बॉर्डर की परेड और रिट्रीट सेरेमनी, गोविंदगढ़ फोर्ट की कल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ के म्यूजियम्स और उधर जो कलेक्शन है वेपन्स की और भी बड़ी सारी चीज़ों की, वार मेमोरियल म्यूजियम और उसकी कलेक्शन, और वहाँ पे किस तरीके की कहानियाँ दिखाई गई है वार की, अलग अलग तरीके से उसे डिपिक्ट किया गया है, ये सब हम इस व्लॉग में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए पूरे व्लॉग को। तो वाघा बॉर्डर जाते समय सबसे पहले हमारे रास्ते में पड़ा शिव शक्ति पीठ, ये मंदिर जहाँ पर बहुत तरीके की मूर्तियाँ हमें देखने को मिली और काफ़ी अच्छी खूबसूरत मूर्तियाँ थी। और इस मंदिर की एक खास बात है कि इसमें गुफा भी है, जिसका अपना ही एक मजा है। और इस तरह हमारा मंदिर का सफर पूरा हुआ और हम आगे चल दिए वाघा बॉर्डर की तरफ हाईवे पर होते हुए, जहां पर हमें काफी तरह के ग्रीनरी देखने को मिली और काफी अच्छा महसूस हुआ। फाइनली पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर के अंदर, जहाँ पे हमें एंट्री में काफ़ी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बाहर काफ़ी रश था और सिक्योरिटी चेकिंग होने के लिए अच्छी खासी लाइन लगी थी। तो उसके बाद हम अंदर आ चुके हैं और हम फाइनली अंदर बढ़ रहे हैं जहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी होती है इंडिया और पाकिस्तान सोल्जर्स के बीच में। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये चीज़ होती है। सो काफ़ी अच्छी खासी रौनक है यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो चलिए इंजॉय करते हैं इसी सारे मोमेंट्स को जो यहाँ पर मैंने इंजॉय करे जब मैं वहाँ पर खुद था। तो आप देख ही रहे होंगे कि गाइस कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी जोश भरा पड़ा है हुआ पूरे रिट्रीट सेरेमनी में, और आगे भी बहुत कुछ कमाल की चीज़ें आपको देखने वाली है। तो पूरा वीडियो देखते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे गाइस कि सभी में पैट्रियटिज्म भरा हुआ है, यहाँ पे आके आपकी देशभक्ति एक नई सीमा पर चली जाएगी और आगे आपको और भी जोश दिखेगा। Hindustan! 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 Hindustan!
गाइस यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि दोनों देशों का झंडा एक साथ यहाँ पर लहरा रहा होता है और दोनों एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। अभी हम आ रखे हैं गोविंदगढ़ फोर्ट पे और आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी जीप है। एक्चुअली मैं फोर्ट के अंदर अभी एंटर भी नहीं हुए हैं, बाहर हम कर रहे हैं चौराहे पे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है। तो हे गाइस, हम हैं गोविंदगढ़ फोर्ट के अंदर और ये मेरा फ्रेंड आदेश है, ये भी व्लॉगिंग करता है, इसका चैनल है आदेश सिंह नाम से, आप लोग जाकर विजिट करिए, देखिए ये भी अच्छे व्लॉग्स डालता है। सो हाँ, काफ़ी अच्छे मेरे से काफ़ी बेटर डालते हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और क्या कहते हैं, अभी हम फोर्ट अंदर घूमेंगे, फोर्ट के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा 35 रुपीज़ की टिकट है, इसको टेंशन हो रही है, इसने कैमरा रख लिया है, बड़े ने मेमोरी कार्ड निकाल दी है, कह रहा जो करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये थोड़ा परेशान हो रहा है कि मतलब मेरा फोन यूज़ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देखो अंदर गालियाँ दे रहा मानिए पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो गाइस, पे हमने काफ़ी सारी गन्स देखी, ठीक है, ज़्यादातर पुरानी गन्स थी, 17th to 18th century टाइप के, गन पाउडर देखा कि कैसे बनता है, उसमें चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीनों से मिलकर गन पाउडर बनता है, और सारी गन्स जो थी ज़्यादातर गन पाउडर से चलने वाली थी, बुलेट्स वाली गन कम थी उसमें। सो काफ़ी हैवी गन्स भी थी, ऐसी गन्स भी थी जो कैमल पर रख के चलाई जाती थी, दीवार पर रख के चलाई जाती थी। तो ओवरऑल अच्छा म्यूज़ियम है एंशिएंट वारफेयर म्यूज़ियम, ये गोविंदगढ़ फोर्ट के अंदर ही है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, इसके लिए अलग एंट्री टिकट खरीदनी पड़ती है। एंड ओवरऑल अच्छा वो है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं इसलिए फोटोज़ नहीं खींच पाया, बट मस्ट विजिट है, अगर आप आते हो फोर्ट में तो इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो गाइज अभी हम बाहर आए हैं डायर्स बंगलो से और काइंड ऑफ वो भी म्यूजियम ही था। सो जैसे हमने पहले वाले में गन्स देखी थी, इसमें हमें देखने को मिली सिख वॉरियर से रिलेटेड तलवारें, ठीक है, और सिर्फ सिख वॉरियर नहीं, जितने भी वॉरियर्स हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे, उन सबके तलवारें और उनके हथियार, किस किस तरह तरह के स्वॉर्ड, सिक्स कृपाण, कतार, तरह तरह की चीज़ें, और काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स, और हमें काफ़ी बड़े बड़े मैनिक्यूस भी देखे, जिसके अंदर लोग जो थे मतलब अपने हाथ में तलवार होल्ड कर रहे थे, मार्शल आर्ट्स करते हुए दिखे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे भी देखने को। और इसके अलावा हमने देखे किस तरीके के आर्मर्स और हेलमेट हुआ करते थे उस टाइम पे, जो कि आयरन से बने होते थे और गोल्ड प्लेटेड होते थे, तो कई काफ़ी तरह तरह की उसके अंदर चीज़ें थी। इसके अलावा हमने जो सबसे यूनिक देखे थे वो थे डैगर, ठीक है, और नाइफ्स, जो कि बहुत ही स्पेशल थे, ठीक है, देखने में बहुत ही यूनिक थे और काफ़ी कमाल के लग रहे थे। और हमने जो तलवारें देखी वो भी कमाल की थी, मतलब कुछ ऐसी तलवारें भी थी जो आपके हैंड को ही प्रोटेक्ट करती जब आप उसे होल्ड करते। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सो यहाँ पे भी अगेन हम फोटोग्राफी नहीं कर पाए, तो जो भी डिस्क्रिप्शन था आपको बता दें इसलिए। सो सी यू नेक्स्ट व्लॉग। तो गाइस अभी हम निकले हैं तोश खाना से, जो कि पीछे दिख रहा है आपको, एंड तोश खाना में दो तरह की चीज़ें थी, उसमें हमें कॉइन्स देखने को मिले, कॉइन्स के सारे तरह तरह के कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स विद गोल्ड प्लेटेड, तो इसके अलावा वहाँ पर गन बैरल्स थे, ठीक है, गन पाउडर। तो तोश खाना बेसिकली बना था, वो पहले बना था ट्रेजरी के लिए, खजाना रखने के लिए, तो वहाँ पर पहले होता था सारे का सारा, जो भी खजाना होता था सारा का सारा रखा जाता था, एंड देन उसके बाद उसके अंदर
उसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया और रेनोवेट करने के बाद वहाँ पे रखने लगे वेपन्स, सॉरी वेपन्स गन पाउडर रखने लगे, ठीक है, उसको पाउडर मैगजीन बोला गया, बाद में पाउडर मैगजीन बन गई, यानी वहाँ पे तरह तरह का गन पाउडर रखा जाता था। गन पाउडर के बैरल्स होते थे काफ़ी बड़े बड़े जिसके अंदर सारा गन पाउडर होता था, तो वही आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, गन पाउडर के बैरल्स और कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोहिनूर डायमंड का रेप्लिका रखा हुआ है जो कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि ऐसे रियल वाला बट गया है, जो कोहिनूर डायमंड असली बना था तो वो बड़ा था लेकिन अब तीन हिस्सों में बट गया है और वो अब इंडिया में नहीं है, बाहर चला गया था, महाराजा रणजीत सिंह से धोखे से साइन वाइन करा के ब्रिटिशर्स ले गए थे। सो अभी ये हमें देखने को मिला है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे भी, बट थोड़ा छोटा है बाकी दोनों के कंपैरिजन में ये, बट काफ़ी नॉलेजेबल है तो ये भी देखना जरूर। थैंक यू सो मच। तो गाइज हम आ गए हैं बाहर, लास्ट हमने गए थे आर्ट गैलरी में जहाँ पे फोटोज लगी हुई थी, ठीक है, एंड वहाँ पे पगड़ियों का भी एक अलग कॉलम बना हुआ था, सो वहाँ पे भी हमने पगड़ियाँ देखी तरह तरह की और अंदर की तरफ फोटोज लगी हुई थी गुरु नानक जी की, सब वो सब आर्ट गैलरी थी तो आप खरीद भी सकते हैं शायद, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेज लगे हुए थे अराउंड 25,000 के 26,000 के अराउंड उसके प्राइजेज थे। और इसके अलावा बीच में एक सेक्शन था जहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही थी वहाँ पे, बना वगैरह पड़े थे, तो मैं थोड़ा टाइम कम था इसलिए हम उसको कर पाए, बट मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और फोटोज खींची हैं, आप देख सकते हैं। Hey guys, so welcome back. अब आ गए हैं वार मेमोरियल, ठीक है, जो रंजीत सिंह से रिलेटेड है, एंड एक्चुअली में हम जा रहे थे महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम, बट मेरे को सुनने में पता चला कि ये ज़्यादा बेटर है, सो इसके हम यहाँ आ गए। एंड पीछे आप देख सकते हैं पीछे तोपे हैं और ये क्या बोलते हैं इसे, प्लेन है, ठीक है, प्लेन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फाइटर जेट टाइप का कह सकते हैं, और भी अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है स्टेल्थ फ्रिगेट शिवालिक क्लास का, ये लगभग 76 mm की इसकी नेवल गन होती है इसके अंदर, और क्लब एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं, SH-1 एंटी क्राफ्ट मिसाइल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी होती है, फिक्स होती है, रॉकेट लॉन्चर्स भी होते हैं, पीछे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है, नेवी का। तो गाइस अभी हम INS विक्रांत के अंदर है और ये इसके आगे का सिस्टम दिखा रखा है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर मैकेनिक भी है। निर्णायक जीत के बाद सिख फौजां मुल्तान वल वधियां। लाहौर विच सजे शेरे पंजाब रंजीत सिंह दे दरबार दी शान
ਅਤੇ ਤੇਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਕੋ ਮਾਰਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰਸ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਤਲਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਗਾਇਜ਼, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੋ ਵਲੋਗ ਕੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਸਕਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਗੇ ਕੇ ਵਲੋਗਸ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਕੋਈ ਮੁਝੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਓ। ਵਲੋਗ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਯੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵਲੋਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ।